वेलकम टू एएसपी एमवीसी सेशन। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने डेटा एनोटेशन के हवाले से तफसीलन बात की, और ना सिर्फ डेटा एनोटेशन पर हमने बात की बल्कि साथ ही साथ उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी किया कि एक्चुअली डेटा एनोटेशन क्या है, किस तरह से आप अपने मॉडल के अंदर डेटा एनोटेशन को यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट या अपने वेब के अंदर वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट को हल करते हैं या उसे सॉल्व कर रहे होते हैं, उसे लगा रहे होते हैं। अच्छा, राइट नाउ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, ऑथेंटिकेशन का जो रोल था यानी डेटा एनोटेशन था, वो मजीद जो है आगे जाता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो हमारे सिर्फ एक सेशन तक के लिए ही सेपरेट है, ऑल्दो सेपरेट सेशन पे इसलिए किया ताकि वो उस चीज़ के लिए रिजर्व्ड हो जाए कि डेटा एनोटेशन एक्चुअली हम यूज़ किस तरह से करते हैं और कैसे करते हैं। तो हम जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे, जहाँ जहाँ हमें बिजनेस लॉजिक की ज़रूरत होगी वहाँ हम डेटा एनोटेशन को इस्तेमाल करते रहेंगे, तो वो चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। अब हमें स्टार्ट करना है ऑथेंटिकेशन। तो कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन हम जब एडमिन पैनल पे जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि ऑथराइजेशन से क्या मुराद है और ऑथेंटिकेशन से क्या मुराद है। अभी हम इस सेशन के अंदर उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। इट इज रिकमेंडेड टू मेक वेब एप्लीकेशन हाईली सिक्योर एंड सेफ। ये रिकमेंड होता है कि आपकी वेब एप्लीकेशन जो है वो सिक्योर हो और साथ ही साथ सेव हो। अ वेब एप्लीकेशन ओवर द नेटवर्क फेस सिक्योरिटीज इश्यूज एंड चैलेंजेस। डिफरेंट तरह के सिक्योरिटीज इश्यूज एंड चैलेंजेस का सामना होता है जब आपकी एप्लीकेशन या आपकी वेबसाइट सर्वर पर होस्ट होती है यानी इंटरनेट पर मौजूद होती है। तो ASP.NET प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन फीचर्स टू डील विद दीज काइंड ऑफ द प्रॉब्लम सो दैट वी कैन फिल्टर यूजर टू एक्सेस अवर एप्लीकेशन। तो ASP.NET हमें क्या प्रोवाइड करता है? ऑथेंटिकेशन, जिसके जरिए से हम डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को फिल्टर कर सकते हैं बाई यूजिंग द एक्सेस ऑफ यूजर। जो पर्टिकुलर यूजर हमारे प्रोजेक्ट को या हमारी वेबसाइट को यूज कर रहा है, उसके जरिए से हमें पता चल रहा होता है कि कौन सा यूजर किस वक्त हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर रहा है, साइनअप कर रहा है। इस तरह से हमें ऑथेंटिकेशन का पता चल रहा होता है। वी कैन सेट वेरियस टाइप ऑफ द ऑथेंटिकेशन फॉर आवर एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ द क्रिएटिंग एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे होते हैं तो डिफरेंट तरह की आपके पास ऑथेंटिकेशन राइट्स होती हैं, जैसे नो ऑथेंटिकेशन। ये भी मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा तो आप देखेंगे वहां पर ये चीजें आ रही होंगी। तो इट इज यूज्ड टू सेट नो ऑथेंटिकेशन फॉर द एप्लीकेशन एनोनिमस यूजर टू एक्सेस। आप इसमें कोई ऑथेंटिकेशन एक्सेस नहीं करते हैं, कोई भी अननोन पर्सन आएगा और आपकी वेबसाइट को यूज कर सकता है विदाउट रजिस्टर्ड हीज एंड हरसेल्फ। इंडिविजुअल यूजर अकाउंट से मुराद क्या है कि इस पे इट इज मोस्टली यूज एंड कॉमन अप्रोच टू सेट ऑथेंटिकेशन फॉर द एप्लीकेशन। इट इज यूज टू सेट ऑथेंटिकेशन फॉर इंडिविजुअल यूजर टू एक्सेस द एप्लीकेशन। यानी जितने यूजर मेरी वेबसाइट पर आएंगे इंडिविजुअली उन तमाम को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। वर्क एंड स्कूल अकाउंट, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि ये एक ऐसी ऑथेंटिकेशन है जो किसी एक खास पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिजर्व हुआ है, उनके लिए ये अकाउंट बना हुआ है। It is used to authenticate user with Active Directory, Microsoft Azure Active Directory, etc. We can set permission for individual organization. इसके लिए हमें क्या करना होता है? सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को राइट देना होता है कि जिस तरह से आप यहाँ पर एक्सेस करना चाह रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसकी यूजर आईडी क्या है। ठीक है, आप Microsoft Azure के जरिए से कर सकते हैं, Active Directory के जरिए से कर सकते हैं। इसी तरह एक ऑथेंटिकेशन क्या है, वो इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होती है जिसको हम विंडोज ऑथेंटिकेशन करते हैं। यानी जब आप विंडोज कर रहे होते हैं तो वहां पर आपके पास ऑथेंटिकेशन के राइट्स आ रहे होते हैं, तो ये भी उन्हीं एक ऑथेंटिकेशन में से एक है। अब जैसे कि डेफिनेशन पर हमने यहां पर देखा कि ऑथेंटिकेशन से मुराद क्या है, कि इंडिविजुअल यूजर को हमें क्या करवाना है, अपनी वेबसाइट के अंदर रजिस्टर्ड करवाना है। मजीद आसान लफ्जों में कहूँ तो अपनी वेबसाइट के अंदर मुझे साइनअप पेज एंड लॉग इन पेज को क्रिएट करना है जिसके जरिए से मैं अपने यूजर को क्या करवा सकूं, रजिस्टर करवा सकूं। लिहाजा इसके लिए हम अपने ब्लैंक प्रोजेक्ट पे चलते हैं और सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, वहां से हमें ये बात समझ में आ जाएगी। तो ऑथेंटिकेशन इन शॉर्ट MVC, मैंने एक शॉर्ट प्रोजेक्ट बनाया और उसके बाद हम टेम्पलेट की तरफ जाएंगे, जैसे एज यूजुअल हम MVC पे काम कर रहे हैं। और अभी हमने डेफिनेशन पे देखा नो ऑथेंटिकेशन, इंडिविजुअल यूजर अकाउंट, वर्क एंड स्कूल एंड विंडोज ऑथेंटिकेशन। तो ये वही वर्ड्स हैं जो अभी मैंने आपको वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर करके दिखाया कि एक्चुअली इन ऑथेंटिकेशन से क्या मुराद है और कौन सा ऑथेंटिकेशन किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त जब मैं अपने अकाउंट को इंडिविजुअल यूजर अकाउंट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई यूजर अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा तो उसको इंडिविजुअली यहाँ पर लॉग इन और रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये इस वक्त एक लोकल स्टोरेज के साथ MVC प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट जो हम काम कर रहे हैं वो खुद क्रिएट करके हमें देता है। उसके रिकॉर्ड्स हमें कहीं किसी डेटाबेस पे सेव होकर नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये डिफॉल्ट तौर पर क्या कर रहा है,
एक लोकल स्टोरेज पर तमाम रिकॉर्ड को सेव कर रहा होता है। तो यही वजह है कि जब हम आगे जाएंगे इसी सेशन पर तो हम खुद से एक स्टोरेज वो बनाएंगे यानी एसक्यूएल पे टेबल बनाएंगे जिस पे ऑथेंटिकेशन को हम सेव कराएंगे कि साइनअप के जरिए से तमाम रिकॉर्ड इंसर्ट हो और उसके बाद लॉगिन के जरिए हम क्या करवा सकें, उसको चेक करवा सकें कि ये रजिस्टर यूज़र जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुआ हुआ है या फिर नहीं है, देन ही वो तीसरे पेज पर जा सके या दूसरे पेज पर जा सके। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने मॉडल्स पर, ठीक है, जो कि डिफ़ॉल्ट तौर पर है। इस वक्त मैंने कोई भी काम नहीं किया है, ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है इंडिविजुअल अकाउंट के रिस्पेक्ट से। और आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास एक मॉडल क्लास है जिसका नाम है अकाउंट व्यू मॉडल। और आप देख रहे हो कि एज यूजुअल ये हमारे वो बिजनेस लेयर है जिसके अंदर तमाम एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं कि एक्चुअली जब यूज़र अपने आप को साइनअप करेगा, रजिस्टर्ड करेगा, तो उसके लिए उसके ईमेल एड्रेस ली जाएंगी, ठीक है, फर्दर उससे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि उसका नाम क्या है, उसका यूज़र नेम, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड दोबारा इंटर करे, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया, एक कंट्रोलर बनाया गया जिसका नाम यहाँ पर अकाउंट है और अकाउंट के जरिए से तमाम चीज़ों को रजिस्टर्ड करवाया गया। इसी तरह मैनेज कंट्रोलर है हमारे पास और यहाँ पर तमाम चीज़ें इसके जरिए से मैनेज करवाई जा रही हैं। अगर आप इस कोड को देखें तो बहुत कॉम्प्लेक्स कोड है, इस लेवल पर जिस लेवल पर आप मौजूद हैं तो कोई चीज़ें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही हैं, तो हमें परेशान बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि हम इन चीज़ों को फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि एक्चुअली लोकल स्टोरेज के जरिए से वो काम हो कैसे रहा है जो ये हमें MVC प्रोवाइड कर रहा है। लिहाजा मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो प्रोग्राम रन हो चुका है। ये आप देख रहे हो यहाँ पर रजिस्टर्ड लिखा हुआ है और ये लॉगिन लिखा हुआ है, इसका मतलब है मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं रजिस्टर्ड के व्यू पर आ जाऊंगा। मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं हमारा प्रोसेस है। अब हम कहाँ पर आ चुके हैं, रजिस्टर्ड के फॉर्म पर आ चुके हैं। तो रजिस्टर्ड के फॉर्म पर आने के बाद आपने क्या करना है, ईमेल एड्रेस देना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जाम्पल ali@gmail.com, उसके बाद लिखा 12345, ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है, और मैंने कंफर्म पासवर्ड में भी मुझे वही पासवर्ड लिखना होगा, ठीक है, वगरना एरर आएगा। तो रजिस्टर्ड में मैंने क्लिक किया, अब ये कह रहा है भाई जो पासवर्ड है आपका वो 6 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए एटलीस्ट, या फिर 6 होना चाहिए। तो मैंने जहाँ पर 5 तक पासवर्ड लिखा था मैंने उसको 6 भी कर दिया ताकि ये एक्सेप्ट हो जाए। और अभी भी आप देख रहे हो कि इसने कहा कि इसके साथ लोअर कैरेक्टर भी होना चाहिए एंड अपर कैरेक्टर भी होना चाहिए। ये तमाम वैलिडेशन के रूल्स इसमें डिफ़ॉल्ट तौर पर इस वक्त मौजूद हैं, तो हम इसके मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने दूसरा पासवर्ड लिखा है, उसके बाद मैंने एंटर किया और अभी भी आप देख रहे हैं कि एटलीस्ट 1 नॉन लेटर और डिजिट कैरेक्टर यहाँ पे मजीद रिक्वायर्ड है। तो आप देख रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट तौर पे इतनी सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं कि आप नंबर्स भी लिखें, अपर कैरेक्टर भी लिखें, लोअर कैरेक्टर भी लिखें और उसके साथ जो है लेटर या डिजिट कैरेक्टर भी यहाँ पर लिखें। तो मजीद मैं अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करता हूँ। ओके, एक दूसरे पासवर्ड को एंटर किया है मैंने क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी यहाँ पर, मैंने लोअर कैरेक्टर भी ले लिया, अपर कैरेक्टर भी ले लिया। और उसके बाद आप देख रहे हो कि जैसे मैंने अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया तो एक सेशन का ये जो साइन है ना यहाँ पर सेशन का है, ऑल दो मैं आगे सेशन पर हम जाएंगे तो इसको भी डिस्कस करेंगे, सेशन क्या चीज़ है, कैसे क्रिएट की गई है एक्सेट्रा, तो ये सेशन पर क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। अब लिहाजा जब मैं इसको नेवर करूंगा तो उसका मतलब है कि ये सेशन वाइज सेव नहीं हो रहा है। अब देखो जिस नाम से मैंने यहाँ पर लॉगिन किया था वो मेरी जो ईमेल आईडी है जो मैंने डमी तौर पे यहाँ पे लिखी थी वो यहाँ पर आ चुकी है और इस वक्त मैं अपने इस प्रोजेक्ट में क्या हो चुका हूँ, लॉगिन हो चुका हूँ। लिहाजा ये लॉग ऑफ है, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, लॉग ऑफ हो जाऊंगा। अब दोबारा से मुझे रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत है लॉगिन। अब लॉगिन पे आने के बाद मुझे वही यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना होगा अपने आप को रजिस्टर्ड करने के लिए और जैसे मैं करूंगा उसके बाद मैं दोबारा कहां पर आ जाऊंगा, उसी पेज पर वापस आ जाऊंगा, ठीक है। अगर आप यूजर नेम पासवर्ड सही नहीं लिख रहे होंगे तो डेटा एनोटेशन के रिस्पेक्ट से क्या होगा, एरर शो हो जाएगी। ये तमाम जो पोजीशन थी यहां पर वो डिफॉल्ट तौर पर आपको MVC टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा है लोकल स्टोरेज के साथ। लिहाजा अब हम इसको देखेंगे स्क्रैच से कि एक्चुअली यही ऑथेंटिकेशन के रूल्स को मैं खुद से कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। लिहाजा सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा अपने मॉडल पर, ठीक है। तो मैं इन तमाम को कैंसिल कर लेता हूँ क्योंकि इनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मॉडल पर जाने के बाद कोड फर्स्ट अप्रोच के लिए हमें दो क्लासेस बनानी होती है, ठीक है। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ signup.cs, ठीक है, और इसी तरह एक और क्लास बनाता हूँ db.cs, जिसको हम db context भी लिखा करते थे, तो अभी मैंने db.cs लिख दिया। तो दो क्लासेस मैंने बना ली। एज यूजुअल साइनअप के अंदर हमें क्या करना है, वो तमाम एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं जिस एट्रीब्यूट को मैं यूजर से साइनअप के वक्त लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं
उससे पूछना चाहता हूँ कि भाई आपका नाम क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आप पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं और कंफर्म पासवर्ड क्या करना चाहते हैं। इस वक्त मैंने बिल्कुल एज यूजुअल जो कोड हमने डेटा एनोटेशन पर इस्तेमाल किया था मैंने उसी कोड को यहाँ पर रखा है। ठीक है, अगर मैं शो करूँ तो की का एट्रीब्यूट हम प्रीवियस सेशन पर पढ़ चुके हैं, डेटा एनोटेशन के जरिए से हम की से क्या करते हैं वैल्यू को रिट्रीव करवा रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम जब डेटाबेस पे बनाएंगे तो की को प्राइमरी की रखते हैं ताकि इसके जरिए से वैल्यू को फैच किया जा सके। फिर इसी तरह मैंने एक एट्रीब्यूट क्या बनाया है नेम का, और अगर बगौर देखो तो यहां पर मैंने स्ट्रिंग की लेंथ बता दी है और साथ ही साथ एरर बता दिया है कि ये रिक्वायर्ड है, इसमें कम से कम आप एक अल्फाबेट जरूर लिखेंगे और मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स इसमें लेंथ है। फिर इसी तरह नीचे ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस में मैंने बताया हुआ है कि एक्चुअली लेंथ इसकी क्या है, ये ईमेल एड्रेस के लिए रिजर्वड है। और फिर मैंने एरर शो करवाया हुआ है और इसके नाम को मैंने क्या कर दिया है ईमेल से ईमेल एड्रेस, यानी ये एट्रीब्यूट ईमेल एड्रेस पे कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह मैंने नीचे बताया हुआ है कि एक्चुअली पासवर्ड क्या होगा हमारे पास, तो आप देख रहे हो कि ये मैंने दो दफ़ा लिख दिया है। तो सबसे पहले मैंने एरर शो करवाया और स्ट्रिंग लेंथ यहाँ पर मैंने वही एरर को शो करवाया हुआ है एक्चुअली जो हम स्टार्टिंग पर अभी देख रहे थे कि अगर यूज़र ने एटलीस्ट 2 कैरेक्टर से कम वैल्यू लिखी हुई है तो ये वैलिडेशन शो होगी वहां पर कि आपने इतने कैरेक्टर्स यहाँ पर लिखने हैं। और उसके बाद फिर मैंने इसके पासवर्ड को क्या कर दिया है यानी डेटा टाइप को पासवर्ड में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसके बाद मैंने एक और एट्रीब्यूट बनाया हुआ कन्फर्म पासवर्ड, तो कन्फर्म पासवर्ड के अंदर एक एट्रीब्यूट हमारा देखें थोड़ा सा ज्यादा है, वो क्या है कंपेयर। बाकी ये तीनों तो हम शुरू से इस्तेमाल कर ही रहे हैं। कंपेयर में क्या करना होता है, जिस एट्रीब्यूट से इस एट्रीब्यूट को तुम्हें कंपेयर करवाना है उसका नाम लिख दिया। इस वक्त मैं जो डेटा एनोटेशन के एट्रीब्यूट यहां लिख रहा हूं वो इसके लिए लिख रहा हूं ना, क्योंकि इसके ऊपर मौजूद है, लिहाजा इसे मुझे किससे कंपेयर कराना है इस पासवर्ड से। तो इसका नाम मैंने कहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है पासवर्ड। ठीक है, तो हम इस पी को स्मॉल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका नाम यहां पर स्मॉल में लिखा है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहली वो क्लास हो गई जो डेटा एनोटेशन के रिस्पेक्ट से रिजर्व है। इसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4 and 5 एट्रीब्यूट्स हैं। इस 5 एट्रीब्यूट के रिस्पेक्ट से मुझे क्या करना होगा, एसक्यूएल में एक टेबल बनानी होगी। लिहाजा मैंने एसक्यूएल ओपन किया और एसक्यूएल के अंदर मैंने एक टेबल बनाई टेबल अकाउंट के नाम से फहद हुसैन डेटाबेस के अंदर, और आप देखो उसमें वही एट्रीब्यूट मैंने यूज किए हैं जो एट्रीब्यूट्स वहां पर हैं। लिहाजा मैंने टेबल क्रिएट की एग्जीक्यूटेड और उसके बाद मैंने तमाम एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर देख लिया। वाज़ह है कि जो यूजर आईडी है वो आइडेंटिटी है एंड प्लस प्राइमरी की है। अब सेकंड हमें क्या करना है कि जो DBCS है उसको सबसे पहले DB कॉन्टेक्स्ट से क्या करना होता है, हमें इनहेरिट करना होता है क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क के जरिए से हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि ADO.NET की कोडिंग ना करनी पड़े। तो DB कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद कंट्रोल डॉट प्रेस किया, उसके बाद हम लिखेंगे पब्लिक DB सेट एंगल ब्रैकेट name of your class, it is signup, not single, और इसका नाम रख दिया हमने signups, get and set, everything is okay, project को build करेंगे, control shift B, let's build। अब हमें क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना है। हमें पता है कि हम हमेशा कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट के नाम से अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रखते हैं, जो हमारे जो दूसरी क्लास थे उसका नाम क्या है डीबी। तो जो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ ऑलरेडी बनी हुई है सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज करके डीबी करूंगा और अब मुझे इस कनेक्शन स्ट्रिंग की जरूरत है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वर एक्सप्लोरर पर आते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद जो हमारा सर्वर नेम है हम उसे कॉपी करेंगे, यहाँ से पेस्ट किया मैंने ऑथेंटिकेशन SAN पासवर्ड, और उसके बाद हमने यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम रखा, ओके प्रेस किया और उसके बाद हम यहां से कॉपी करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग और इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट कर देंगे। जो हमारा पासवर्ड है SQL का वो हम यहां पर लिखेंगे और हमारा यहां पर काम कनेक्शन स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट से एंड हो गया। अब फाइनली हम एक कंट्रोलर क्लिक करेंगे क्रिएट करेंगे और वहां जाने के बाद बताएंगे कि किस व्यू पर जाएगा यूजर, यानी किस कंट्रोलर का नाम या फंक्शन का नाम यूआरएल पे लिखेगा, तो वो लॉगिन पेज पर जाएगा और किसके जरिए से साइनअप पेज पर जाएगा, और तमाम लॉजिक को वहां पर डिफाइन करेंगे। ओके, सो आप कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोलर पर चलते हैं और राइट क्लिक करते हैं ऐड कंट्रोलर और एक एम्प्टी कंट्रोलर हम लेते हैं और इस एम्प्टी कंट्रोलर का नाम मैंने रख दिया फॉर एग्जाम्पल यूजर, ठीक है, और ऐड पर क्लिक किया। आप देख रहे हैं कि एक कंट्रोलर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है एक्शन मेथड, हम ऐसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैंने इसे वन टाइम पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद मैंने इसका नाम रखा
साइन अप, ठीक है, और एक और दफा हम इसे कॉपी करेंगे और एक और दफा पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दो दफा मैंने साइन अप क्यों बनाया है, दो दफा साइन अप की वजह यह है कि एक हमारे पास जब ऑथेंटिकेशन पे जैसे हम काम कर रहे हैं आगे जाएंगे तो यहां पर एक रूल होता है जिसको हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल कहते हैं। एचटीटीपी प्रोटोकॉल में एचटीटीपी गेट एंड एचटीटीपी पोस्ट का काम यह होता है कि किसी भी व्यू को सिर्फ जब मुझे विजिबल कराना होता है तो मैं एचटीटीपी गेट लिखता हूं, और जब उसे सबमिट करवाना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम एचटीटीपी पोस्ट करते हैं। लिहाजा ये एक्शन मेथड साइन अप का सिर्फ और सिर्फ व्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए, और नीचे जो दूसरा साइन अप मैंने बनाया है ये जब वो उस व्यू को सबमिट कर रहा होगा और उसके बिहाइंड क्या काम होना चाहिए वो मैं इस पे करूंगा साइन अप पर। तो लिहाजा इसके ऊपर हम यहां पे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एचटीटीपी पोस्ट, ठीक है। तो ये तो हमारे दो एक्शन मेथड हो चुके हैं यहां पर, और हमने इसको इस तरह से हमने इसको परफॉर्म कर लिया है। अब सबसे पहले हम टॉप पर चलते हैं और यहां पर डीबी के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद कंट्रोल के साथ मैं डॉट प्रेस करूंगा और मैंने अपने प्रोजेक्ट के जो नेम स्पेस था वो उसमें ऐड करवा लिया। ऐड करवाने के बाद अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ व्यू क्रिएट करेगा और उसके बाद जो सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद जो उसके बिहाइंड वर्किंग होगी वो नीचे वाले साइन अप पे होगी जो एचटीटीपी पोस्ट के साथ है। लिहाजा यहां पर आने के बाद मैंने जो हमारे पे सेकंड क्लास थी जिसका नाम था साइन अप, मैंने इसके नाम को कॉपी किया और अपने कंट्रोलर पर उसके नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका नाम रखा एस, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जिस जिस एट्रीब्यूट को मुझे इस्तेमाल करना है वो सबसे पहला एट्रीब्यूट हमारे पास क्या होगा, नेम। यूजर से मुझे क्या इंसर्ट करवाना है, नेम, ठीक है ना। नेम यूजर से लिया और इसको ऐड करवा दिया मैंने मॉडल डॉट नेम में, तो इस मॉडल को एज अ पैरामीटर मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा। और ये किस टाइप का पैरामीटर होगा, हमारे उसी क्लास बेस पैरामीटर, यानी साइन अप के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी उसमें पैरामीटर्स यहाँ पर मैंने बनाए हैं उसको एज अ मैं पैरामीटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जो भी यूजर ने साइन अप पे लिखा है वो मॉडल डॉट नेम के बराबर होना चाहिए। तो जिस तरह से मैंने नेम के लिए काम किया है इसी तरह मैं किसके लिए करूंगा, ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए और री इंटर पासवर्ड यानी कन्फर्म पासवर्ड के लिए। तो जहाँ जहाँ नेम लिखा हुआ है अब हम यहाँ से लेंगे ईमेल, तो इस ईमेल को मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर पासवर्ड लूंगा और इसी पासवर्ड को हमने कॉपी करके यहाँ रिप्लेस किया। और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से लेंगे हम कन्फर्म पासवर्ड, मैंने इसे कॉपी किया और टर्मिनेट कर दिया और इसे भी टर्मिनेट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड वो तमाम एट्रीब्यूट्स हैंडल हो गए जिन एट्रीब्यूट्स को हम यूजर से इंसर्ट करवा रहे थे। ये तमाम एट्रीब्यूट्स जब यूआई पर हमारे सामने हैं तो इन तमाम को मुझे उस टेबल पर जाकर ऐड करवाना है जिस टेबल को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ओबीजे डॉट। ये ओबीजे किसका नाम है, अभी हमने टॉप पर मैंने शो किया हुआ था कि डीबी जो हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट लेयर, इसका नाम मैंने डीबी के नाम से रखा हुआ है। लिहाजा मैंने कहा डीबी डॉट साइन अप्स, ठीक है। ये डीबी डॉट पे नाम था, याद होगा साइन अप को मैंने क्या नाम दिया हुआ था, प्रॉपर्टी बेस पर साइन अप्स एस लगाकर। तो इस पे जाओ और ऐड करवा दो किस पे, एस पर, ठीक है। एस कौन किसका नाम है, साइन अप के ऑब्जेक्ट का नाम है। जब ये चीज यहां पर ऐड हो चुकी है तो जो कुछ भी ऐड हुई है उसको सेव कर दो। तो उसके लिए लिखेंगे आप ओबीजे डॉट सेव चेंजेस स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड दैट्स इट योर वर्क। तो जब ये तमाम काम हमारा जो यूजर ने यूआई के अंदर दिया है वो तमाम चीजें जब हमारी सेव हो चुकी हैं तो साइन अप का काम खत्म हो चुका है। जब साइन अप का काम खत्म हो चुका है तो मुझे अब कहां पर रिडायरेक्ट होना चाहिए, लॉगिन पेज पर। लिहाजा इसके लिए यहां पर जिस तरह से लिखा हुआ है रिटर्न व्यू, तो हम रिटर्न व्यू से उस एक्शन मेथड के व्यू पे जाते हैं। मैं अभी इस एक्शन मेथड के व्यू पे नहीं जाऊंगा बल्कि मुझे लॉगिन के व्यू पे जाना है। लिहाजा इसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन नॉट रिजल्ट। किस एक्शन में जाओ, उस एक्शन में जाओ जिसका नाम है लॉगिन और वो इस वक्त बना हुआ नहीं है, हम बनाएंगे एंड दैट्स इट।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रिकॉर्ड तमाम इंसर्ट हो जाए तो तुम कहां पर चले जाओ, एक एक्शन रिजल्ट पर चले जाओ जिसका नाम क्या है, लॉगिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे नीचे जाकर एक और एक्शन मेथड बनाना है, वो किसके लिए रिजर्व होगा, लॉगिन के लिए। लिहाजा जो यहां पर चीज लिखी हुई है मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया और इस साइनअप को चेंज करके क्या कर दूंगा, लॉगिन। जिस तरह से मैंने ये लॉगिन गेट के लिए किया है, इसी चीज को मुझे किसके लिए अब करना होगा, पोस्ट के लिए। यानी जाहिर सी बात है जब यूजर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो उसके बाद वो चेक भी तो करेगा ना कि मैंने जो साइन अप किया है, यानी वो वन टाइम के बाद सेकंड टाइम आता है या अगले दिन आता है तो वो वही यूजर नेम पासवर्ड इंसर्ट करेगा जो साइन अप करते वक्त उसने दी थी। लिहाजा इसके लिए भी हम यहां पर HTTP पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस चीज को हम बाद में इंप्लीमेंट करेंगे। पहले हम इस चीज को हैंडल करेंगे कि एक्चुअली जो मैंने साइन अप के लिए यहां पर काम किया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या फिर नहीं। लिहाजा हम चलते हैं अपने साइनअप की क्लास पर, और आपको याद होगा कि जब हम कोड फर्स्ट मेथड को इस्तेमाल करते हैं तो अपने क्लास से पहले यहां पर हम अपने टेबल के नेम को भी ऐड करवाते हैं। तो लिहाजा इसके लिए हम इनवर्टेड कॉमा क्लोज ओपन करेंगे और जो मेरे टेबल का नाम है वो मैं यहां पर पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल डॉट के साथ। ओके, ये करने के बाद हम कंट्रोल पर वापस चलते हैं और वापस जाने के बाद जो मुझे व्यू क्रिएट करना है वो गेट वाले एक्शन मेथड से करना है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी यूआई सामने आए। तो जहां पर तुमने कोई कोड नहीं किया है उस पर आप आओगे और यहां से क्या बनाओगे, व्यू बनाओगे। तो मैं गया एड व्यू पर। तो एड व्यू किस पर्पस के लिए बना रहे हो, क्रिएट करने के लिए ना, ताकि तमाम रिकॉर्ड को इंसर्ट किया जाए। तो मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, मॉडल क्लास का नाम है साइनअप, ठीक है, और जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है वो डीबी के नाम से, लिहाजा मैंने एड पे क्लिक किया। ये जो जो एट्रीब्यूट्स मेरे साइनअप क्लास के अंदर मौजूद हैं उसकी रिस्पेक्ट से क्या बना देगी, एक यूआई क्रिएट कर देगी। तो आप देख रहे हैं कि तमाम यूआई हमारी एज यूजुअल क्रिएट हो चुकी है उसी बिजनेस लेयर को यूज करते हुए। लिहाजा हम यूजर पे चलते हैं और यूजर पे जाने के बाद मैं अपने प्रोग्राम को रन करके देखता हूं कि क्या हमारा प्रोग्राम यूआई बेस सही रिप्रेजेंट कर रहा है साइनअप का पेज को या नहीं, देन फिर हम लॉगिन पे काम करेंगे। लेट्स सी, कंट्रोल F5 टू एग्जीक्यूट। तो आप देख रहे हैं कि यूआई हमारी आ चुकी है साइनअप की, और साइनअप के अंदर वो तमाम एट्रीब्यूट्स यहां पर आ चुके हैं जो एट्रीब्यूट्स आईडी के अलावा हैं। तो इस रिसोर्स पर मैं तमाम रिकॉर्ड को जैसे ही इंसर्ट करने के बाद क्रिएट पर क्लिक करूंगा तो मेरे प्रोजेक्ट के मुताबिक वो कहां पर रिडायरेक्ट होगा, लॉगिन पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साइनअप की जगह लॉगिन पर आएगी, और लॉगिन पे हम दो चीज पूछेंगे यकीनी तौर पे कि आप ईमेल एड्रेस बताओ और एक पासवर्ड बताओ, और उसके बाद मैं एक थर्ड पेज पर लेके चले जाऊंगा जो हमारा डैशबोर्ड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो पार्ट था इस सेशन का वो यहां तक क्रिएट हो चुका है, अब मैं लॉगिन पे काम करने लगा हूं। लिहाजा इसके लिए मैं वही काम रिपीट करता हूं जो हमने साइनअप के लिए किया। तो मैंने यहां लिखा लॉगिन, कॉपी पेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू HTTP पोस्ट। अब यहां पर आने के बाद हमें क्या करना है, लिंक क्वेरी को इस्तेमाल करते हुए ये चीज कंफर्म करनी है कि जिस यूजर आईडी पर हमारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं उसके जरिए से ये वैलिडेट हो। तो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो वेरिएबल का नाम मैंने रखा साइन अप एस इक्वल टू, ठीक है, ये हमारी क्लास बेस्ड वेरिएबल बन गई जो क्लास थे साइन अप, और इसमें मैंने कहा obj.signups.where, ठीक है, where के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया a के नाम से और कहा such that ये लिंक क्वेरी है। इस लिंक क्वेरी के अंदर हम एक एक एट्रीब्यूट को चेक करवाएंगे कि चेक करो ईमेल की जो आईडी यूजर ने दी है, ठीक है ना, तो ईमेल डॉट इक्वल्स किसके बराबर हो, उसी चीज के बराबर हो जो मॉडल के जरिए से वैल्यू यूजर ने साइन अप करते वक्त इंसर्ट करवाई थी। तो मैंने कहा मॉडल डॉट ईमेल, ठीक है, क्योंकि मॉडल को हमने एज एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं किया है, मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा साइन अप मॉडल, ठीक है, मैंने कॉपी किया मॉडल को और इस जगह पर इस्तेमाल किया, और मॉडल से क्या चीज मैच होनी चाहिए, ईमेल। तो ईमेल का काम यहां पर मैच हो गया कि जो यूजर ने खुद लिखा है वो उसी ईमेल के बराबर है जो मॉडल क्लास के अंदर मौजूद थी या नहीं। तो जिस तरह से मैंने ईमेल को यहां पर चेंज करवाया यानी चेक करवाया, इसी तरह मैं पासवर्ड को भी चेक कराऊंगा। तो मैंने एंड का साइन लिखा, ठीक है, और उसके बाद लिखा ए डॉट पासवर्ड डॉट इक्वल्स, ठीक है, एंड सिमिलरली मॉडल डॉट पासवर्ड। तो ये चेकिंग हो गई इसकी। उसके बाद हम इसको
सिंगल और डिफॉल्ट वैल्यू पे चेंज कर देते हैं। तो ये ओवरऑल लिंक क्वेरी के जरिए से मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, हमने क्या किया कि हमने ये चेक कराया कि साइनअप जो हमारी क्लास थी उस पे जाकर चेक करो कि जो यूजर ने हमारे ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर इंसर्ट किया है लॉगिन पेज पर, क्या वो मॉडल क्लास से मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है तो इसका मतलब है एस की वैल्यू एस वेरिएबल पे कोई ना कोई चीज स्टोर हो चुकी है। ठीक है, जब कोई ना कोई चीज स्टोर हो चुकी है लिहाजा अब मैं यहां पर कंडीशन कह सकता हूं कि अगर एस की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है तो तुम ये काम करो, और अगर वो राइट नहीं है तो तुम ये काम करो। ठीक है, यानी एस वो वेरिएबल है इस वक्त हमारे पास क्लास बेस जिसके अंदर राइट डिसीजन मौजूद है कि अगर उसने यूजर नेम और पासवर्ड सही लिखा है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर राइट वैल्यू मौजूद है, वगरना उसमें राइट वैल्यू मौजूद नहीं है। तो लिहाजा मैंने कहा अगर उसमें वैल्यू राइट है तो तुम दोबारा से रिटर्न कर जाओ टू एक्शन, और हम एक तीसरा मेथड बनाने लगे हैं अब जिसका नाम होगा यूजर डैश बोर्ड। ठीक है, ये अभी बना नहीं है, अभी हम नीचे बनाएंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल यूजर ने या तो आईडी गलत लिख दी है या पासवर्ड गलत लिख दिया है तो तुम क्या करो, व्यू बैक के जरिए से एक मैसेज जनरेट करा दो और उस पर लिख दो इनवैलिड आईडी और पासवर्ड। ठीक है, आईडी की जगह मैं ईमेल भी लिख सकता हूं स्लैश। ठीक है, और इसको यहां पर हमने टर्मिनेट कर दिया। एंड फाइनली ये इसका व्यू रिटर्न करवाएगा जिसकी जरूरत हमें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि या तो ये कंडीशन चलेगी या तो फिर ये कंडीशन चलेगी, तो दोनों चीजें यहां पर रिजर्व्ड हो गई। अब हम क्या करते हैं, जरा मैं लॉगिन का व्यू चेक कर लेता हूं कि लॉगिन का व्यू आएगा या नहीं आएगा, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना होगा, जिस तरह से साइनअप के लिए व्यू बनाया था इसी तरह लॉगिन के लिए व्यू बनाओ। मैंने राइट क्लिक किया, एड व्यू पे गया, इसको भी मैं किस लिए बना रहा हूं, क्रिएट के लिए बना रहा हूं, किस क्लास के रिस्पेक्ट से बना रहा हूं, साइनअप के, और डीबी कॉन्टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐड पे क्लिक किया, बिल्कुल एज यूजुअल जिस तरह से साइनअप के लिए तमाम चीजें क्रिएट होंगी लॉगिन के लिए भी तमाम चीजें क्रिएट हो जाएंगी, लेकिन लॉगिन करते वक्त मुझे सिर्फ दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। क्या क्या? यूजर का ईमेल एंड यूजर का पासवर्ड। तो इसके अलावा जो चीजें यहां पर आ रही हैं वो मेरे काम की नहीं है, यानी ये नेम का एट्रीब्यूट मेरे काम का नहीं है, तो मैं इस नेम एट्रीब्यूट को क्या कर दूंगा, यहां पर कमेंट कर दूंगा। इसी तरह सेकंड एट्रीब्यूट ईमेल के लिए ये मुझे चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए, लेकिन कंफर्म पासवर्ड मुझे नहीं चाहिए लॉगिन का, तो मैंने इसे भी क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। अब मैं प्रोग्राम को रन करके देखता हूं कि जिस तरह से साइनअप का व्यू आ रहा था क्या लॉगिन का भी व्यू आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। कंट्रोल F5 प्रेस किया मैंने, और अब मैं अपने URL पे साइनअप की जगह लॉगिन देखकर देखूंगा कि इसका व्यू यहां पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट मैं लॉगिन के व्यू पर जा रहा हूं, तो सक्सेसफुली देख रहे हो आप कि लॉगिन का भी व्यू यहां पर आ चुका है। अब फाइनली हमें क्या काम करना है, फाइनली हमें डैशबोर्ड के लिए काम करना है। तो मैं दोबारा से लॉगिन आईडी यूजर कंट्रोलर पर चलता हूं, जूम करता हूं, और यहां पर अब मुझे किसके लिए काम करना है, डैशबोर्ड के लिए काम करना है। लिहाजा मैं एक एक्शन मेथड यहां से कॉपी कर लेता हूं, मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, और जो नाम मैंने यहां लिखा है उसी नाम से मैंने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, दैट्स इट। अब रिप्लेस करने के बाद मुझे क्या करना है, देखो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक व्यू बनाना है और व्यू के जरिए से ये दिखा देना है कि ये एरिया हमारा डैशबोर्ड है, यानी वो पेज है जिस पे यूजर अगर ऑथेंटिकेट हो जाता है, वो वैलिड यूजर है, तो वो इस पेज पर आ जाए बस। ठीक है, तो लिहाजा अब मैं डैशबोर्ड के लिए व्यू बनाता हूं, एड व्यू, और इसको क्रिएट नहीं करना है क्योंकि इसमें ना तो हम कोई बिजनेस क्लास यूज करना चाह रहे हैं ना मॉडल, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहां पर एम्प्टी, ऑल्दो आप यहां पर साइनअप क्लास को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डीबी को भी, और उस पे जाकर मैं सिर्फ एक H1 के टैग में लिख देता हूं वेलकम टू डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये हमारी क्लास आ चुकी है, और मैं यहां पे लिखता हूं H1 के टैग में वेलकम टू डैशबोर्ड। ठीक है, कंट्रोल S, तो एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम द स्टार्टिंग। अगर मैं ब्रीफली दिखाऊं तो सबसे पहले हमने साइनअप पेज के लिए काम किया फॉर गेट मैथड एंड पोस्ट मैथड, फिर उसके बाद लॉग इन फॉर गेट मैथड एंड पोस्ट मैथड, और उसके बाद अगर हमारे पास वैलिड यूजर रजिस्टर्ड कर रहा है तो वो डैशबोर्ड पे चला जाएगा और साथ ही साथ डैशबोर्ड का व्यू हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाएगा। चेक करते हैं, तो सबसे पहले मैं साइनअप से चेक करूंगा, प्रोग्राम रन करते हैं, तो साइनअप पेज हमारे सामने सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मैंने लिखा Fahad@gmail.com, ठीक है,
पासवर्ड दिया मैंने, री इंटर पासवर्ड किया सेम, ठीक है, और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक किया, तो इन प्रोसेस, और अब मैं कहाँ आ चुका हूँ, रिडायरेक्ट हो गए, लॉगिन पेज पर आ चुका हूँ, आप देख रहे हैं। और लॉगिन पेज पर आने की वजह क्या थी कि जैसे ही आप तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे इस कोड के मुताबिक, तो उसके बाद आप, आपका रिकॉर्ड ना सिर्फ सेव होगा बल्कि आप कहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, लॉगिन कंट्रोलर पर, आई मीन मैथड पर। लॉगिन मैथड हमें क्या कहता है कि जैसे तुम लॉगिन पर आओगे तो वो अपना व्यू रिप्रेजेंट कर देगा, और जब तुम व्यू के तमाम कोड को यानी बॉक्सेस को फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करोगे तो वो अपने HTTP पोस्ट पर आके काम करना चेक कर देगा, शुरू कर देगा कि उसके मियार के मुताबिक तुमने वहां पर ID और पासवर्ड लिखी है या फिर नहीं। लिहाजा अब मैं दोबारा यहां पर आता हूं और उसके बाद हम यहां पर वही यूजर नेम पासवर्ड लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा पासवर्ड था इस कोड के मुताबिक, मैंने क्रिएट किया एंड हियर इट इज। और मैं कहां पर आ गया उसके बाद, वेलकम टू डैशबोर्ड पे, यानी जब मैंने यूजर नेम पासवर्ड सही सही लिखा तो मैं वैलिडेट होकर यानी मूव होकर अपने उस पेज पर आ गया जिस पर मुझे आना था। अब देखते हैं कि क्या डेटाबेस पे भी रिकॉर्ड सेव हुआ है हमारे, तो सिलेक्ट स्टेरी फ्रॉम टेबल अकाउंट एग्जीक्यूट नॉट दिस वन एंड हियर इट इज। तो आप देख रहे हैं कि हमारे डेटाबेस पे भी वही यूजर नेम पासवर्ड यहां पर हमारे पास एज एडमिन ये चीजें शो हो रही हैं। और अब हम उसको मजीद वेरीफाई करते हैं कैसे, कि मैंने जो अभी यूजर नेम पासवर्ड सही एंटर किया था मैं उसको रॉन्ग एंटर करके भी देखता हूं। लिहाजा अब मैं चलता हूं लॉगिन पे वापस, ठीक है, और आपको याद होगा कि अभी मैंने यूजर नेम तो ये दिया था लेकिन पासवर्ड मेरे पास था 129। अब मैं यहां पर रॉन्ग पासवर्ड लिख के देखता हूं, क्रिएट पे क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं कि दोबारा से क्या हो रहा है, मैं उस वक्त दोबारा साइन अप पेज पर आ गया और साथ ही साथ ये चीजें भी हमारे पासवर्ड यहां से जा चुकी है। तो मैं कुछ भी यहां पर रॉन्ग लिखूंगा तो हम आप देख रहे हो कि आप रीडायरेक्ट वहां पर नहीं हो रहे, ठीक है ना। तो ये वैलिडेशन किसके रिस्पेक्ट से चल रही है, इस एल्स स्टेटमेंट से चल रही है, जिस एल्स स्टेटमेंट में तुमने यहां पर सिर्फ और सिर्फ व्यू बैक मैसेज रिटर्न करवाया था। तो डेटाबेस के अंदर ना सिर्फ रिकॉर्ड आया बल्कि साथ ही साथ हम सक्सेसफुली हमने ये भी देखा कि किस तरह से जब मैं राइट यूजर नेम पासवर्ड लिखूंगा तो किस तरह से वैलिडेट होकर वहां पर मूव होगा और मूव होने के बाद वहां पर मैसेज शो होगा। व्यू मैसेज वहां पर इसलिए नहीं शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहां पर जब व्यू क्रिएट किया था इसका तो यहां पर मैंने व्यू मैसेज को कॉल नहीं किया हुआ, ऑल्दो इस पर कोई इतनी खास जरूरत नहीं है इस लेवल पर। नेक्स्ट सेशन पर हम जाएंगे तो वहां पर जाने के बाद देखेंगे कि साइन अप पेज बाय यूजिंग सेशन और कुकीज कैसे क्रिएट किया जा सकता है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो यूजर अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहा है उसकी ईमेल आईडी भी लिखी हुआ है कि ये यूजर इस वक्त हमारे प्रोग्राम में क्या हो चुका है, रजिस्टर्ड हुआ है, लॉगिन हुआ है, और साथ ही साथ लॉग आउट का बटन भी हो तो जैसे वो उस पर क्लिक करे तो उसका नाम ना सिर्फ चले जाए बल्कि दोबारा से वो उसी इनिशियल पेज पर आ जाए जहां से आपके प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग। तो इस सेशन पर हमने ब्रीफली अगर मैं बात करूं तो हमने क्या देखा कि ऑथेंटिकेशन क्या चीज़ है, किस तरह से हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं और साइनअप और लॉगिन पेज बनाते हैं और उसके बाद हम किस तरह से उसको वैलिडेट करके मूव करवा रहे होते हैं। प्रीवियस सेशन तक हमने सिर्फ और सिर्फ व्यू देखा था कि रिटर्न व्यू क्या है, लेकिन इस सेशन पर हमने एक एडिशनल चीजें देखी कि रिडायरेक्ट टू एक्शन से क्या मुराद है। रिडायरेक्ट से मुराद ये है कि एक अपने एक्शन रिजल्ट से आप किसी दूसरे एक्शन रिजल्ट पर अपने आप को क्या करवा रहे होते हो, मूव करवा रहे होते हो।